Ladies and gentlemen, Srimati Alola Divya Reddy from Telangana. Namaskar to all the respected people over here. मैं बहुत आभारी हूँ कि भारत सरकार ने मुझे ये पुरस्कार दी है. मैं अलोला दिव्या रेड्डी, एक माँ जो अपने बच्चों को शुद्ध ए टू दूध देने की खोज में मेरे पति गौतम रेड्डी के साथ जो क्लिमोम को शुरू की, वो अब मेरे बच्चों के साथ साथ हजार तक के बच्चों की मदद हो रही है. ए टू मिल्क यानी हमारा देसी गाय का दूध, जो अब पूरा विश्व में ऐसे हो गया कि ए टू मिल्क हेल्दी है, ए टू मिल्क ही पीना चाहिए. देसी गाय जो हमेशा हमारे आंगन में दिखाई देती थी, जो हमें सब कुछ देती थी, हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, आजकल वो हमारे आंगन में दिखाई नहीं दे रही है. ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम फिर से देसी गाय को अपने आंगन में वापस ले आए. 3 साल हुए गोमाता क्लिमोम वेलनेस एंड फार्म्स में आए हुए. Klimom is not just about milk, it's much, much more. It's a mission to bring back the glory to our sacred Indian cows. आजकल अगर हम देखें तो hybrid cow सिर्फ dairy farm में नहीं लेकिन गांव में भी दिखाई दे रहा है. किसान ये सोच रहा है कि वो 4-5 देसी गाय रखने के बगैर वो 1-2 hybrid cow लगाएगा तो उसे ज़्यादा पैसे आएंगे और ज़्यादा दूध मिलेगा. लेकिन हम यहाँ किसानों को ये समझाना पड़ेगा कि अगर वो देसी गाय का दिया हुआ सब कुछ सही तरीके से इस्तेमाल करेगा तो उसे 100% सेहत और समृद्धि प्राप्त होगी. वो जितना भी कम दूध देती होगी देसी गाय, लेकिन वो अमृत के समान है, ऐसा हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है. देसी गाय का दिया हुआ गोबर और गोमूत्र से अगर हम जीवामृत घनामृत बना के उसके साथ कॉ बेस्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे और उससे जो फसल आता है वो फसल हमें 100% सेहत और समृद्धि देगी. ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, 50 साल पहले तक हम वही करते थे, सिर्फ अब उसको नया नाम दिया गया है ऑर्गेनिक फार्मिंग. अगर हम पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स के साथ जब हम खेती करते हैं तो उससे जो फसल आता है वो फसल खाने से हमको बहुत सारी बीमारियाँ हो रही हैं. अगर इन बीमारियों से बचने के लिए हमको एक ही रास्ता है, काउ बेस्ड फार्मिंग. आज़ादी के समय हमारे पास 90 करोड़ गाय थे और हमारा आबादी था 30 करोड़. अब हमारा आबादी हुई 130 करोड़ और गाय हुए सिर्फ 9 करोड़. गाय विश्व की माता है, गाय रहेगा तो ही सब कुछ रहेगा. हमारी देशी गाय की प्रामुख्यता जान के सब देशों वाले जैसे कि ब्राज़ील, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सब लोग अपने गाय को उनके देश को लेके जा रहे. हमारी गाय की संख्या अब हमारे देश से ज़्यादा उनके देशों में है, तो हम क्यों अपनी गाय को जो गोमाता बोलते हैं उसे खो रहे हैं. लेट्स गेट बैक इंडिया टू आवर सेक्रेट इंडियन काउस. क्लिमोम की जो ये मिशन है देसी गाय को वापस लाने का, वो कुछ हद तक सक्सेस हो रहा है, क्योंकि हैदराबाद में हमें गौशाला शुरू करने के बाद बहुत सारे लोग हाइब्रिड काऊ के बगैर देसी गाय के साथ गौशाला शुरू की है. अगर ऐसे ही सब लोग देसी गाय को अपने ज़िंदगी में वापस लाएंगे तो समृद्धि और सेहत खुद ब खुद वापस आ जाएगी. धन्यवाद. नमस्कार. जय हिंद. थैंक यू सो मच मैम.